सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, मैं तुहाडा अपना दिलप्रीत सिंह ते अज फिर तुहाडे सामने लैके आया वहाँ एक अलग जिहा टॉपिक जिद्दां मैं हर बार कुछ ना कुछ तुहाडे नाल डिस्कस करदा वहाँ। सो अज बैठे बिठाए मेरे मन च एक होर गल आई कि पंजाब विच अपना तुसीं देखो अजकल दा सिनेरियो ये चल रहा है कि सारे आइल्स कर रहे ने, सारे ही आइल्स कर रहे ने। मतलब पहला हुंदा सीगा कि हाँ जी की कर रहे हो, अच्छा बीटेक कर रहे हो, किहदे विच ईसी च या सी एस सी च या मकैनिकल या सिविल, कुछ बीटेक कर रहे होंगे सी। पर अजकल सब तो वड्डा मैनूं लगदा कोर्स ही मन्निया जांदा कि आयल विच बैंड लैके तो बाद चल जाओ। साढ़े पंजाब च दो तरह के बच्चे ने, एक जिन्हां ने फाइल लाई हुई है ते दूजे जिहड़े आयल्स करदे पए। ते इस तों अलावा जिहड़े हैगे आ ना वो अपना अपने सोचते पे है कि किदां करांगे की करांगे। तो जिहड़े जिहड़े आयल्स कर रहे ने उन्हां दे मन च ही है कि आपां बाहर ही जाणा है। तो ये कोई नहीं सोच रहा कि वधिया पढ़ाई करन जावांगे, बाहर इदा करांगे उदा करांगे। सब का एक ही ड्रीम है भाजी कनेडा पहुँच के ना ट्राला चलाना, ट्राले पैसे बड़े है। वो इतों हमेशा ये नहीं सोचीदा होंदा कि हाँ पैसे ज़्यादा, ये सोचो कि घट कम करके पैसे जिदा कमाईए, है ना। मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ना देखने लोग, पर नहीं बाहर जाके ट्राले ही चलाना। तो इदा देखे ही किस्से है। हूँ जब मैं जो आइल्स की सी ना, तो पहली बार वो देन गया पेपर तो हुंदा सी, मतलब एक स्पीकिंग पार्ट हुंदा च, ठीक है। उहदे विच तुहानू क्वेश्चन मिलदे आ ते तुसी अगों बोलनी है इंग्लिश, ते तुहाडी इंग्लिश टेस्ट कीती जांदी है। वह अलग हुंदा, बाकी तीन मोड्यूल अलग पेपर हुंदा, ठीक है। सो जिस दिन स्पीकिंग सी ना, मैं होटल गया टाइम सिर पहुँच गया, तो एक स्लिप जी सी अंदर जाते जाते सी, लाइन लगी हुई सी, तीन रूम च अपना इंटरव्यू चल रही सी, एक हिसाब से स्पीकिंग का पेपर चल रहा सी। मैं भी जाके लाइन च खड़ा हो गया, ठीक है जी। दो तीन जने मेरे अगे रह गए, जो वो अंदर चले गए नैक्सट बारी मेरी सी। उदो ना एक बंदा कैमरा लैके आया मेरे सामने ना, उन्हें कैमरा जो रखे ही है, तो मैं क्या माई नेम इज दिलप्रीत सिंह, आई वॉन्ट टू डू गो कनेडा फॉर हाईएस्ट। कहिंदा भाजी सिर्फ फोटो खिंचनी है, ये तुसी अंदर बोलना जाके। मतलब इन्ना घर अटके गया होया सीगा ना कि यही बोलना, भावें कुछ होर पुछ लवे। सो गिनती की इंग्लिश आती है, तुहानू पता ही है, बैंड तो उस वारी आए नहीं गए, तो अगली बार फिर तैयारी करनी पई, पेपर देना पिया। हूँ अगली बारी सब सही जा रहा सी, ठीक है जी, बहुत वधिया तैयारी की हुई सी। इंग्लिश मैं क्या मतलब रट ली सी पूरी, जो मर्जी पूछ ले जवाब दूंगा ही दूंगा। तो इदा ही मैं हूँ स्पीकिंग वाले टाइम पर फिर अंदर गया, सामने एक फॉरनर बैठा हुआ सी। मेरे मन च पता नहीं की आया, मैं की सोचा, मैं क्यों सोचा, वो इधर जिवें सामने बैठे सी अंग्रेज़ जी, मैं इधरले पासे बैठा सी। मेरे मन च आया यार क्या बात है, अंग्रेज़ मेरा पेपर लूगा, मतलब थोड़ा गुरु है, आप पैर ही लावे साढ़े थोड़े नंबर भी वध ला दूगा, तो उन्होंने लगेगा कि कितना संस्कारी बच्चा। सो जो तो जाके बैठा ना, वो कॉफ़ी पींदा पिया सी, तो मैं ना उठते सार टेबल के उत्तों अद्धा पैर ही हिला की कोशिश की, तो पैर ही अतका ही लगना सी सारी कॉफ़ी वो उत्ते। ये होया मेरे नाल, मैं कुछ चजदा भी करना चाहना, मेरे ना गलती हुंदा, सारी कॉफ़ी उहदे उत्ते रुड़ गई। मैं बैंड ते की लैने सीगे, जिन्ने मेरे बैंड बंदे सी वह भी गए, पेपर भी कैंसल हो गया, 11,000 रुपया भी गया।